हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक दीपिका नाम की औरत अपने ससुराल में रहती थी। दीपिका का रंग दिखने में काला होने के कारण उसके पति अशोक और सास कमला ने आज तक उसे अपनाया ही नहीं था, परंतु फिर भी दीपिका अपने पति को खुश करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का खाना बनाकर उसके टिफिन में पैक करके देती थी। सुनिए जी, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है, आप ऑफिस खाना लेकर चले जाइए। आज मैंने आपके लिए खीर और पराठे बनाए हैं। मुझे माँ जी ने बताया था कि आपको खीर और पराठे बहुत पसंद है। अरे ओ कलमोही, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे तेरे हाथ का गंदा खाना नहीं खाना है, पर तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बाहर ही खा लूंगा। परंतु अशोक जी, अगर आप इसी तरह हर दिन बाहर खाना खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और वैसे भी बाहर का खाना तो बहुत महंगा आता है, इसीलिए मैंने आपके लिए घर में ही स्वादिष्ट खीर और पराठे बना दिए हैं। आप टिफिन ले जाइए। अगर बाहर का खाना खाकर मेरी तबीयत खराब होती है तो होने दो, इसी बहाने मैं मर जाऊंगा और मुझे तुमसे मुक्ति मिल जाएगी। पता नहीं पिताजी ने उस समय तुम्हारी शक्ल में ऐसा क्या देखा जो मेरी शादी तुम जैसी कलमुही से करा दी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, काली बीवी ही सही, परंतु दहेज में बहुत सारा धन मिल जाएगा जिससे मैं एक जनरल स्टोर खोल लूंगा, परंतु तुम्हारे पिताजी ने तो मुझे खाली हाथ ही लौटा दिया। मेरी चिंता बढ़ाने के लिए तुम्हें मेरे घर पर भेज दिया और दहेज के नाम पर सिर्फ एक रेडियो और साइकिल लेकर आई है। अशोक जी, कृपया करके मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत बोलिए। आपको तो शादी से पहले बहुत अच्छे से पता था ना कि मेरे पिताजी कितने गरीब हैं, और जब ससुर जी मेरा हाथ मांगने आए थे तो उन्होंने भी तो दहेज के लिए साफ साफ मना कर दिया था। दीपिका, अब तुम रहने ही दो, मुझे लगता है तुमसे बातें करना मतलब दीवार में सर मारना है। जब माँ तीर्थ यात्रा से वापस आ जाएंगी तो मैं उन्हीं से दूसरी शादी की बात करूंगा। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, और खबरदार जो तुमने मुझे फोन किया, मैं रात को अपने आप घर आ जाऊंगा। इतना कहकर अशोक वहाँ से चले जाता है, और वही दीपिका रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। दीपिका अपने हुए अपनी माँ को याद करती है। हे माँ, आप तो ये सब देख रही हो, परंतु फिर भी आप मेरे लिए कुछ करती क्यों नहीं? आप तो मुझे छोड़कर बचपन में ही स्वर्ग चली गई थी, और पिताजी ने मेरी शादी अशोक जी से करवा दी। मेरी शादी को एक साल होने वाला है, परंतु आज तक अशोक जी ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, और आज तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो दूसरी शादी कर लेंगे। इस तरह दीपिका अपनी माँ से बहुत देर बातें करती है, और बहुत देर तक रोने के बाद दीपिका को हल्का महसूस होता है। इसके बाद दीपिका अपने घर की साफ सफाई के लिए कमरे से बाहर जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे, और एक दिन अशोक की माँ कमला तीर्थ यात्रा से घर वापस आ जाती है। घर आते ही कमला अपनी बहू को ताना मारती है। हाय, मेरा बच्चा कितना सूख गया है, ऐसा लग रहा है मानो जिस दिन से मैं तीर्थ यात्रा पर गई हूँ ये कलमुही अकेले ही घर का राशन खा लेती थी। मुझे जाए हुए यहाँ अभी एक ही महीना हुआ है, और मेरा बेटा सूख कर कांटा हो गया है। जब से इस कलमुही के गंदे पैर हमारे इस घर पर पड़े हैं, मुझे लगता है तब से हमारे घर की रौनक ही चली गई है। परंतु अब बहुत हुआ, अब मैं इसे एक पल और नहीं देख सकती। इतना कहकर कमला अपने बेटे के कान में कुछ कहती है। इसके बाद कमला और अशोक दीपिका को नदी के पास ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कमला, अशोक और दीपिका नदी के पास पहुंच जाते हैं। तभी अशोक मौका मिलते ही दीपिका को नदी में धक्का दे देता है। दीपिका को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो डूबते हुए आगे की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब दीपिका की आँख खुली तो वो अपने आप को एक झरने के किनारे पाती है। दीपिका तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है। दीपिका उदास होकर आगे की ओर जाने लगती है। थोड़ी दूर चलकर दीपिका एक गांव में पहुंच जाती है। दीपिका को बहुत तेज भूख लगी थी, वो रोटी मांगने के लिए एक घर के पास जाती है। दीपिका को एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वो उसके अंदर जाती है और देखती है कि उसके अंदर कोई भी नहीं रहता। इसके बाद दीपिका उस घर में रहने की सोचती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, और अब दीपिका के पास रोजाना की जिंदगी का थोड़ा बहुत सामान जमा हो गया था। एक दिन दीपिका गहरी नींद में सो रही थी, तभी दीपिका के सपने में उसकी माँ आती है और कहती है, दीपिका देखो मैं आई हूँ, तुम सोती ही रहोगी क्या? माँ, आप वापस आ गए, आपके बिना मेरा हर एक पल कष्टदायक है। आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी नरक से बदतर हो गई।
अब तो आप मुझे छोड़कर फिर कभी नहीं जाओगी ना। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपकी मृत्यु के बाद पिताजी ने मेरी शादी करवा दी थी, परंतु मेरे ससुराल वाले दहेज के लालच में मुझे मारते पीटते हैं। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी, मेरी सास और अशोक जी ने मुझे मिलकर नदी में धक्का दे दिया। दीपिका, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर एक दिन हर किसी की मृत्यु होती है, बस मेरी तुमसे पहले हो गई। तुम मेरी प्यारी बेटी हो, इसीलिए मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, तुम पिछला सब कुछ भूल कर अपने आगे की जिंदगी बिताओ। दीपिका अपनी माँ की बात समझ गई। ठीक है माँ, मैं आपको भरोसा देती हूँ कि मैं कभी भी अपने अतीत के बारे में नहीं सोचूंगी और आगे की जिंदगी बिताऊंगी। थोड़ी देर बाद दीपिका की आँख खुल गई। दीपिका को अपनी माँ की सभी बातें याद आती है। दीपिका की माँ उसके जीवन में एक नई आशा की किरण लेकर आई थी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उसके अंदर अपनी माँ के गुण आने लगे। दीपिका ने अपने पति और सास को सजा दिलवाने के लिए आगे पढ़ाई करने का फैसला किया। उस दिन के बाद से दीपिका सुबह दूसरों के खेतों में काम करती और काम से आने के बाद घर में बैठकर पढ़ाई करती। धीरे धीरे करके दीपिका के ज्ञान में वृद्धि होने लगी। ऐसे ही कई साल बीत गए। दीपिका के गुणों की चर्चा पूरे गांव में होती थी। वो पढ़ाई में भी बहुत तेज हो गई थी। दीपिका ने दिन रात पढ़ाई करके यूपीएससी का पेपर दिया और रिजल्ट आने पर उसने यूपीएससी क्रैक भी कर लिया और उसने अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। कुछ ही दिनों में वो एक ऑफिसर बन गई और उसकी पोस्टिंग उसी के ससुराल में हो गई। उसके बाद दीपिका तुरंत पुलिस की वर्दी में अपने ससुराल पहुंच गई। दीपिका को अपने सामने पुलिस की वर्दी में देखकर अशोक और कमला हैरान हो गए। उसके बाद दीपिका ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। इस तरह अशोक और कमला को दीपिका ने अपनी बुद्धि से हरा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।